हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हर रोज की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, मेरी पर्सनल रीडिंग की नंबर है। जिनकी भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आप लोग ओनली व्हाट्सएप मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, तो आपको पेमेंट करके बुक करना होता है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिनको भी नंबर चाहिए, आप लोग स्क्रीनशॉट देके रख सकते हो अपने पास, ताकि आपको जरूरत पे ढूंढना ना पड़े। और ये पर्सनल रीडिंग एक्यूरेट होते हैं। प्लीज इनको गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की आज के दिन की एनर्जी कैसा है, आज के दिन में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की करंट एनर्जी, पहला ही कार्ड सिक्स ऑफ सोर्ड। बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं, हो रहा है उनके लाइफ में। ओके, जस्टिस, बहुत सारे खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। इसके साथ आया है दी हायरोफेंट, बॉटम द डेक में है पेज ऑफ वेंड्स। आपको दिख रहा है सारे कार्ड्स। सो गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे कार्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। इस डेक से हम क्लैरिफाई कर लेते हैं हर एक कार्ड्स को, उसके बाद मैं आपको साइन एंड प्रेजेंशियल क्लैरिफाई करें इस डेक से कार्ड्स को। ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं, एक एक करके कार्ड दीजिए मुझे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ओके, किसी चॉइसेस से, कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं आपके पर्सन। डेथ कार्ड क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें। यहाँ पर डेथ कार्ड क्यों आए हैं, आज थोड़ा अलग तरीके से रीडिंग करने के बारे में सोचा मैंने। ओके, बॉटम से है ईगो। लवर्स कार्ड क्यों आए हैं एंजल यहाँ पर, अच्छा, हार्ट ब्रोकन है बहुत ज्यादा, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड, प्लीज इनसे गाइड करें। यहाँ पर जस्टिस कार्ड क्यों आए हैं, बार्डन में है। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कुछ चीजों को, सेलिब्रेशन चाहते हैं। और एक कार्ड नीचे गिरा है, तो उसको हम उठा लेंगे। और बॉटम से फिर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। हायरोफेंट क्यों आया है, आपके पर्सन शादी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और आपको ऑफर करना चाहते हैं शादी से रिलेटेड कुछ, और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, सो देखिए यहाँ पर साइन जो निकल कर आए हैं वो है एक्यूरस, लिब्रा, जेमिनाई एंड बाकी सारे मेजर और गाना है। ओके, पहली स्प्रेड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्ड्स। ये जो कार्ड है ये है माइनर और गाना, बाकी जो सारे कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स हैं मेजर और गाना। ओके, इसके साथ माइनर और गाना भी है, जैसे इस डेक में कुछ कार्ड एक साथ होते हैं, डबल मीनिंग वाला कार्ड होते हैं। ठीक है, दो कार्ड एक साथ में कंबाइंड है।
सो मेजर जो साइन आए हैं यहाँ पर, फोर्थ कार्ड मेजर अरगाना आए हैं, जो है स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा एंड टॉरस मेजर साइन आया है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्यूरस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है, ये साइन आया है। बाकी इस टेक से आया है लियो मेजर साइन, बाकी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एक्यूरस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यहाँ पर कैप्रिकॉन जो है मेजर आए हैं, बाकी सारे साइन मौजूद हैं। ओके, अगर एनर्जी की बात करें आज के दिन में, आपके पर्सन किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने का डिसीजन ले रहे या फिर ट्रैवल करने का डिसीजन ले रहे, ठीक है, किसी सिचुएशन से दूर जाने का डिसीजन आपके पर्सन ले रहे, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको। और कुछ लोग के पर्सन आज के दिन में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपनी सिटी चेंज कर सकते हैं, अपनी प्लेस को चेंज करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर काम की वजह से कहीं ट्रैवल करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा कार्ड आया है डेथ का, तो आज के दिन में आपके पर्सन के घर में किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आप भी रीडिंग को देख रहे हैं तो पॉसिबल है कि आपके घर में भी किसी का हेल्थ इशू हो। और कुछ लोगों के ये भी एनर्जी है कि हेल्थ इशू की वजह से आपको कहीं जाना पड़े, ठीक है। मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार की तबीयत खराब है और आप लोग जो है उनके घर जाए, इस टाइप की भी एनर्जी यहाँ पर है। साथ ही साथ ये आपके पर्सन की एनर्जी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी में भी ये चीज़ है। बाकी और एक एनर्जी पिक हो रहा है मुझे यहाँ पर, जिनका भी ब्रेकअप सिचुएशन है, रिश्ता एंड हो चुका है, डेथ हो चुका है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है, कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो है रियूनियन का कार्ड है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कपल है और आपके पर्सन जो है आपके साथ क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, रोमांटिक एनर्जी या फिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन उनको है, प्यार उनको है आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोग के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं आपको लेके ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपना सजा रहे हैं, या फिर रिसेंटली कहीं जाने के बारे में प्लानिंग भी कर सकते हैं आपके पर्सन, कोई डिस्टेंस में आपके साथ जाने की प्लानिंग भी यहाँ पर हो सकता है फ्यू परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए। बाकी यहाँ पर आपके पर्सन न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं आपके पर्सन विद द हेरोफेंट कार्ड, और मतलब ट्रेडिशनल वे से शादी करना चाहते हैं आपके पर्सन, ये भी एक सिचुएशन है। और कुछ लोगों के पर्सन अगर मैरिड है तो यहाँ पर मैरिड सिचुएशन में अटके हुए है, या फिर डिवोर्स केस में, लीगल मैटर में अटके हुए है, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इशू हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो जिनके भी पर्सन मैरिड है तो यहाँ पर उस मैरिड सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहे, क्योंकि वहाँ पर वो खुश नहीं है, खुद को बंधे हुए और ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका बैड लक स्टार्ट हो चुका है वहाँ पर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज और हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें होते रहना, इस टाइप की एनर्जी हो रहा है। तो वो यहाँ पर चाह रहे हैं कि यहाँ पर लीगली अलग हो जाए। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर जो लोग सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं आपको, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि वो लीगल मैरिज कर सकते हैं आपको, ठीक है। जस्टिस के साथ लवर्स का कार्ड यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि किसी सिचुएशन से वो मूव ऑन कर जाए और किसी सिचुएशन को एंड कर दे और आपके साथ लीगली शादी कर ले, ठीक है। हो सकता है कि उनके घर वाले चाहते हैं कि वो ट्रेडिशनल वे से शादी करे, घर की मर्जी से शादी करे, लेकिन यहाँ पर वो खुद की मर्जी से स्टैंड लेते हुए आपको नजर आ सकते हैं, या फिर इस टाइम पे अगर वो आपको रीच आउट करते हैं तो इस टाइप के स्टैंड वो आपके लिए ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसी ही एनर्जी निकल कर आए हैं आज के दिन में। बाकी जो क्लैरिफिकेशन में निकल कर आए हैं कि आपके पर्सन जो भी अलग चॉइसेस है वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, जो भी कंफ्यूजन है वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, सन का कार्ड है, सो वो एक्शन ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स को सन कार्ड एंड सेवन ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है, तो डेफिनेटली पॉजिटिवली आगे बढ़ने का एक्शन है, आपके तरफ आगे बढ़ने का एक्शन है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ सोर्ड्स एंड ईगो कार्ड यानी डेविल कार्ड, तो जिन भी टॉक्सिक बंधन में आपके पर्सन अटके हुए हैं, जो भी दो राहे पे है, जो भी अदर ऑप्शन या फिर कंफ्यूजन उनके लाइफ में था, उन सारी चीज़ों का एंडिंग हो रहा है, डेथ की एनर्जी है। तो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ से जो है टॉक्सिसिटी रिलीज हो रहा है, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशन जो है ख़त्म हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इस टाइप की एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं।
इसके अलावा देखिए लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्स विद द थ्री ऑफ सोर्स। आपके पर्सन आपको बेहद मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, स्पाई करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, किसके साथ फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, तो जितना पॉसिबल है वो आपको स्पाई करते हैं। साथ ही साथ अगर उन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, छोड़ के गए हैं, चीट किया है और अभी नो कॉन्टैक्ट है, तो वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत हार्ट ब्रोकन है, गिल्ट की एनर्जी में है, गिल्ट की भावना में है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जेलस भी फील कर रहे हैं वो इस टाइम पे, ठीक है। तो जिस वजह से वो आपको रीच आउट कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ लोग के पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। बाकी जस्टिस को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ कप्स ने, पेज ऑफ वैंस ने। ओके, एक एक करके मैं क्लैरिफाई करती हूँ। अगर आपके साथ आपके पर्सन की ब्रेकअप सिचुएशन है या फिर आपके पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपकी कॉल को इग्नोर कर रहे थे, आपके मैसेजेस की रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर उनकी तरफ से कोई ना कोई छोटा सा जेस्चर आपके तरफ आते हुए नजर आएंगे। अगर आप पावरफुल पोजिशन पर है, अगर आप इसी पोजिशन पर है, यानी आप अपनी लाइफ में हैप्पी है, जहाँ पर भी है वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के तरफ जा रहे हैं, आप उनको चेस करना छोड़ दिए हैं, आप उनको सामने से कॉल मैसेजेस करना, प्यार के लिए भीख मांगना या फिर खुद की प्यार को जताना आपने कम कर दिया है, खुद की वैल्यू को आपने बढ़ाया है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ जेस्चर करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए कॉल मैसेज उनको ही रिसीव होगा जो लोग कॉल मैसेज करना बंद करेंगे। अगर आप देना बंद करेंगे तब तो आपको मिलेगा, अगर आप दे ही रहे हो तो मिलेगा कहाँ से, है ना। तो आप लॉजिकली भी समझो चीज़ों को। तो अगर आप देना बंद कर चुके हो उनको मेंटल सपोर्ट, प्यार और चेस करना बंद कर चुके हो, कॉल करना बंद कर चुके हो, तो उनकी तरफ से कॉल आएगा। अगर आप ही कॉल करते रहोगे तो वो कॉल करेंगे क्यों आपको, ठीक है। सो वही चीज़ है, जो लोग भी यहाँ पर गाइडेंस को फॉलो करके खुद के ऊपर काम किया है, आपके लाइफ में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आने वाले हैं, आपके साथ न्याय होगा, रियूनियन होने के चांसेस हैं आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है। रियूनियन की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है और आपके साथ न्याय होगा, ओके। प्यार का इक्वल गिव एंड टेक होगा, सेलिब्रेशन का माहौल है। यहाँ पर आप कार्ड्स देख पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में यूनियन होने की पूरा चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ पर है, राइट। लास्ट जो कार्ड आया है वो है दी हायरोफेंट, शादी से रिलेटेड एनर्जी है और इसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वैंस एंड एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड दी विक्ट्री। तो यहाँ पर आपके पर्सन शादी के लिए स्टैंड ले रहे हैं, फाइट करना चाहते हैं खुद की फैमिली के साथ या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके साथ फाइट करना चाहते हैं, आपको सामने से ऑफर करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं और वो लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्राउंडेड रिश्ता चाहते हैं। यहाँ पर इस कार्ड में लिखा है लॉयल, डेडिकेटेड, प्रोटेक्टिव, तो डेफिनेटली वो इंसान आपके लिए लॉयल होंगे और यहाँ पर विक्ट्री आपको मिलेगा, विक्ट्री की एनर्जी है, सो डेफिनेटली विक्ट्री आपको मिलेगा इस सिचुएशन में, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, सक्सेस मिल सकते हैं, तो जो भी चीज़ आप चाहते हैं इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें आपको मिलने की यहाँ पर हाई चांस है। तो ये एनर्जी है ओवरऑल आज के दिन में आपके पर्सन की। चलिए देख लेते हैं उनकी कुछ हिडन फीलिंग्स और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। सो गाइस, जो लोग भी करेंट फीलिंग्स का रीडिंग लेना चाहते हैं, ये जो पूरा रीडिंग होता है, ये पूरा रीडिंग 755 चार्ज है पर्सनल, अगर आप बुक कर रहे हैं सेम तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाता है आपकी पर्सनल चीज़ों को, और वीडियो रीडिंग प्रोवाइड होता है, जैसे यहाँ पर आप वीडियो देख पा रहे हैं वैसे ही आपको व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड होते हैं। सो जिनको भी चाहिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, प्लीज इनसे गाइड करें। हिडन फीलिंग्स, बैड कर्मा, उनको पता है कि ये उनकी कर्मा का पेबैक हो रहा है, स्पेशली बैड कर्मा का पेबैक उनको हो रहे हैं। गाइस रीडिंग अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। क्राइंग ओवर यू, सैड हार्ट एंड अपसेट, इटीसी, तो आपके पर्सन आपको मिस करके रो रहे हैं, ठीक है।
आपके लिए रो रहे हैं, अपसेट है, बहुत ज्यादा हर्ट, बहुत ज्यादा हर्ट है आपके पर्सन, ठीक है। अनफेज्ड, फेक स्माइल, तो यहाँ पर आपके पर्सन खुद की लाइफ में और सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और वो फेक स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका जो लाइफ है अच्छे से चल रहे है या फिर वो बहुत अच्छी पावर पोजिशन पर है, ठीक है। स्टेपिंग इन टू पावर प्राइस कमिंग अप स्पॉटलाइट, तो यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं और वो पावरफुल एनर्जी में है, स्पॉटलाइट में है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर पहले वो ऐसी एनर्जी में थे तो उस इमेज को वो कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से फेक स्माइल है और क्राइंग ओवर यू। तो यहाँ पर वो रोने की एनर्जी में है, अपसेट होने की एनर्जी में है विद द बैड कर्मा, तो उनको बैड कर्मा का जो भी पेंडिंग कर्मा है उनको मिल रहा है। ओके, स्टॉकर, तो वो आपको स्टॉक करते हैं रात भर या फिर जब भी उनको टाइम मिलता है वो आपको स्टॉक करते हैं। मूव्स इन साइलेंस, किसी सिचुएशन से वो साइलेंसली मूव कर रहे हैं और यहाँ पर किसी को पैम्पर वो नहीं कर रहे किसी को, यानी अगर कोई भी उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे तो वो भी उनके साथ जो है फाइट कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे, इस टाइप की एनर्जी है। सो किसी को भी इस टाइम पे वो रिलाई नहीं कर रहे, साथ ही साथ आपके प्रति काफ़ी पैशनेट एनर्जी में नजर आ रहे। साइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमोन्स, तो आप अगर बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो इस टाइम पे तो उनकी अंदर की जो ईगो है बहुत हार्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं और वो सोच रहे कि कैसे आप अपनी लाइफ में इतना हैप्पी रह सकते हो, खुश रह सकते हो, इसीलिए वो आपकी तरफ एक न्यू ऑफर लेकर आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग बुक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये उनकी हिडन फीलिंग्स है। सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके तरफ इस रिश्ते में। प्लीज इनसे गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में, मेरे व्यूअर्स के तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन। ओके, थ्री कार्ड्स आए हैं, ग्रेट फॉर्चून। ओके, यहाँ पर देखिए फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ेगा और ग्रेट फॉर्चून लाख फेवर में काम कर सकते हैं आपके पर्सन की, ठीक है, आने वाले 8 डेज के अंदर। ओके, और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर कुछ डीप लेवल पे वो सोच रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन, या तो किसी को कुछ नौकरी से अगर प्रॉब्लम था तो नौकरी मिल सकते हैं, जॉब मिल सकते हैं यहाँ पर। फॉल्स पर्सन, हिडन वेल्थ, तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन हिडन वेल्थ के लिए इंतजार कर रहे या फिर ऐसा कुछ कर रहे जहाँ पर उनको हिडन वेल्थ मिलने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, फिलहाल आपके पर्सन काफी डिप्रेशन में है, अपसेट है और हार्ड है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत जल्द वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, उनकी मैसेजेस आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। मेन मेल, यस, आपके पर्सन की तरफ से जिनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं उनकी तरफ से कॉल मैसेज टेक्स्ट आने के चांसेस है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगा और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़ होगा, ठीक है। थॉट्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी सिचुएशन को एंड करने के लिए, स्पेशली उनकी घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है जिनके साथ आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। सो काफ़ी इनके साथ यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है, कोई चीज़ को पूरी तरीके से एंड करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं यहाँ पर, और कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी आपको रिसीव हो सकता है, हो सकता है कि उनके लिए बैड न्यूज़ हो लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ हो, इस टाइप की भी एनर्जी हो सकते हैं यहाँ पर। मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिंतित है इस टाइम पर और आने वाले समय में रहेंगे। ओके, ग्रेट फॉर्चून क्यों आया है एंजल, क्या ग्रेट फॉर्चून आएगा, मिलेंगे, फैमिली में हैप्पीनेस बढ़ेगा, फैमिली से रिलेटेड हैप्पीनेस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, यस। सो यहाँ पर आपके पर्सन या तो फैमिली के साथ आपके बारे में बातचीत कर सकते हैं या फिर आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर टावर मूवमेंट आए हुए हैं तो यहाँ पर रिकवरी आ सकता है, साथ ही साथ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज आपको दे सकते हैं, थर्ड पार्टी में कोई टावर मूवमेंट यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन का। टाइम मैंने बता चुकी हूँ कौन सी चीजें कब तक आपको रेजोनेट कर सकते हैं।
चलिए देख लेते हैं गाइडेंस गाइडेंस क्या है आज के दिन में मेरे व्यूअर्स के लिए। बिलीव इन मैजिक, तो यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे कि मैजिक कभी भी हो सकता है और हमेशा हो रहा है हमारे आसपास, ठीक है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, तो वो आँख आपका होना चाहिए, वो सोचने का तरीका आपको होना चाहिए जिसको आप मैजिकली सोच सको, ठीक है। द फेयरी ऑफ द नॉर्थन लाइट सेज यू आर पार्ट ऑफ नेचर, यू आर मैजिकल टू। तो देखिए हमारे आसपास नेचर में हमेशा ही मैजिक हो रहा है, मैजिक के आसपास हम लोग हैं, मैजिक के अंदर है। ओपन योर आइज एंड सी द मैजिक दैट्स ऑल अराउंड इन नेचर, नेचर में ही मैजिक है और आप खुद जो है इस नेचर का पार्ट है, यानी आप खुद मैजिकल है और मैजिक जो है कभी भी हो सकता है। होप, आपको होपफुल रहना है, होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज ए नेगेटिव सिचुएशन इनटू ए पॉजिटिव वन। तो होप ऐसा चीज है जो कि नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रखते हैं, होपफुल रखते हैं और आपको ये बिलीव दिलाते हैं कि ये टाइम परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी आपका अच्छा टाइम आएगा। म्यूजिक, इस टाइम पे आप म्यूजिक को सुनो ताकि ये म्यूजिक आपको हील कर सके और म्यूजिक में किसी से रिलेटेड मैसेज आपको मिल सके। फेयर स्पोर्टिंग, इट्स टाइम टू गो फेयर स्पोर्टिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बीइंग बट फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू, बिलीव बीइंग इज सीइंग। तो यहाँ पर फेयरी स्पोर्टिंग की एनर्जी यही बोल रहे कि बाहर जाओ, नेचर के आसपास जाओ, नेचर के साथ एनिमल के साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को लो, उनको हील करो आपकी हीलिंग से। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, अगर मैं देख लूँगी तो बिलीव कर लूँगी, ठीक है, या फिर देख लूँगा तो बिलीव करूँगा, अपनी आँखों से जब मुझे दिखेगा तब मुझे बिलीव होगा। और ये भी फैक्ट है, कुछ बार अगर हम बिलीव करते हैं तभी हमें दिखता है, जैसे कि डिवाइन पे हम अगर बिलीव करते हैं तो ही डिवाइन जो है हमें दिखते हैं या फिर हमें ब्लेस करते हैं, किसी ना किसी माध्यम से वो आपको गाइड करते हैं। तो जब तक आप डिवाइन को बिलीव नहीं करोगे या फिर कुछ चीज़ों को जब तक आप बिलीव नहीं करोगे तब तक आपको दिखता नहीं है। तो कुछ चीज़ों को लिए पहले बिलीव करना ज़रूरी होते हैं। ज़्यादातर चीज़ों के लिए हमने यही सोचते हैं जब तक हम आँखों से नहीं देख लेते हैं तब तक हम बिलीव नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए ऐसा है, यूनिवर्स के लिए ऐसा है कि आप पहले बिलीव करो तब आपको दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा है। और जर्नी, कुछ लोग अचानक कहीं जा सकते हो, जर्नी की एनर्जी पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, तो अचानक से आप कहीं घूमने जा सकते हो या फिर कुछ प्लानिंग हो सकता है, प्लान बन सकते हैं और आपको जाना पड़ सकता है, इस टाइप की भी एनर्जी है। सो गाइज, ये था आज के दिन की प्यारी सी एक रीडिंग, होप आपको अच्छा लगा है, रेजोनेट किया है। चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, चैनल नेम याद रखें ताकि बाद में आपको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही साथ अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर आप कर सकते हो। सो ये था आपका रीडिंग, लल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।